जैसे घूमती चाक पर मिट्टी एक आकार लेती है, वैसे ही बचपन से लेकर बुढ़ापे तक एक खूबसूरत परिवर्तन जीवन में होता है। मनुष्य का जीवन शुरू होता है तो मिट्टी से, खत्म होता है तो मिट्टी पर। उत्तम नगर दिल्ली में स्थित कुम्हार कॉलोनी, जो अपनी माटी से बनी कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है, इनका जीवन इस मिट्टी में बीता। इनकी जिंदगी मिट्टी को आकार देने में कटी। यहाँ पर रहने वाले लोग यह काम कई सालों से करते आ रहे हैं। यह इनके पूर्वजों का व्यवसाय है। आपका नाम क्या है? अंगूरी देवी। आप यहाँ पे कब से रह रहे हो? 50 साल हो गए हैं। तो 50 साल से आप यही काम करते हो? हाँ जी, माटी का ही काम करता है। अच्छा, क्या क्या करते हो? ये बर्तन ही बनाता है। बर्तन बनाते हैं? हाँ। तो आपके घर में कौन कौन है? अपने घर में तो 6 लड़का है। 6 लड़के? 6 न्यारे न्यारे हो गए। अभी इसकी लेट रहती होगी, इसके संग रहती हूँ मैं। अच्छा। 2 पोता है, एक बहू है, एक मैं। कितने साल के आपके पोते हैं? 13 साल। 14? तो स्कूल जाते हैं? हाँ जी, जाता है बेटा। मर गया, क्या होएगी अब, क्या ना होएगी। पोता दवाई दिवा के लाया। यहाँ भी कठिना का सामना ही पड़ रहा, जानना सही रो रहा। और क्या कठिना या सब कठिन क्या भी आएगी। तो स्कूल और काम में साथ में कैसे? हाँ, साथ में करता हूँ, संगी लगा रहता। उनकी पढ़ाई पे कोई असर नहीं होता? फिर पढ़ाई पे असर हो तो फिर पेट कहाँ से भरेगा। अभी ये करेंगा तो खाऊंगा। बिपता है, बिपता ही आई, क्या हुआ है। हाँ, कमा और लिया। अभी तो भट्टी बिना पकाई कमा, क्या कमा लिया, धूल बिना कमा। अभी तो कुछ गुजारा चल ही रहा। नाना मामा दादा दादी कोई न कोई कर ही रहा, कुछ न कुछ ऐसे ही चल रहा है। तका पेली काम वाम करते हो? थोड़ा बहुत हाथ बटा देते हैं। किसके साथ? मम्मी के साथ। क्या क्या बनाना आता है तुम्हें? डीएम, कुंडी, प्याले, ये सब बना लेते हैं थोड़ी बहुत चीज। ये मिट्टी तुम्हें कहाँ से मिलती है? नजफगढ़, हरियाणा, कहीं से भी आ जाती है। पता है कि कितने तक के में? 6,000-4,000 इतने। सुबह कितने बजे उठना पड़ता है तुम्हें? 5:30। फिर 5:30 बजे उठ के स्कूल? हाँ, सुबह के टाइम भी स्कूल होता है, दोपहर के टाइम भी स्कूल। क्या काम करते हो सुबह उठते ही? मिट्टी फोड़ते हैं, गलाते हैं, छानते हैं, हाथों में छाले हो जाते हैं, और फिर गूंदे बना के ऐसे गूंदियाँ बनाते हैं। 4.5 घंटे तो पकाते हैं। 4.5 घंटे पकाते हैं? किस टाइम में, दिन में या सुबह हो जाता है? रात को, रात में। इन छोटे छोटे कांधों पर बोझ है कितना, उम्र कम, काम है ज्यादा। मिट्टी के बर्तन बनाने में इन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पहले मिट्टी को कूटना, छानना, गूंदना, फिर चाक पर घुमाना, फिर भट्टी को जलाकर उसमें पकाना होता है। ये लोग इतनी मेहनत करते हैं फिर भी उतना नहीं कमा पाते कि अपने बच्चों का पेट भर सके। यह काम है तो 12 महीने का, पर भट्टी बारिश के समय में जलती नहीं होगी, फिर यह लोग अपना खर्चा अपने बच्चों का पेट कैसे भरते होंगे। यह 4 बजे से उठकर रात के 2-3 बजे तक काम करने के बाद भी ये लोग इतना नहीं कमा पाते कि गर्मी, सर्दी और बारिश से बचने के लिए एक छत बना सके। इनकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि ये लोग किसी भी दुर्घटना को झेल नहीं सकते, और बारिश आने पर या फिर इनका सामान टूटने पर हर नुकसान इन्हें ही सहना पड़ता है।
बारिश बारिश के टाइम पे जैसे बारिश आ जाती है, हाँ। बारिश में मटका अगर हम मटके उबार छोड़ दें तो सारा गड़ जाता है, हाँ, तो हमारी मेहनत सारी बेकार जाती है। जी जी, बहुत बेकार जाती है सारी। मिट्टी बाहर पड़ी रहती तो मिट्टी भी बेकार जाएगी, फिर नुकसान जो वो है। नुकसान है जो हम ही भुगतेंगे, कोई सरकार थोड़ी भुगतेगी, कुछ मदद भी नहीं करती। अरे क्या करे सरकार, कुछ नहीं करेगी सरकार। सरकार के द्वारा बहुत सी नीतियां और सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, पर ये इनके बारे में जानते हैं या नहीं, ये इन सुविधाओं का मूल रूप से उपयोग करते हैं या नहीं, और क्या सरकार इनकी मदद करती भी है या नहीं। कुछ नहीं करती सरकार, सरकार क्या करेगी हमारा, अपना तो पेट भर ले पहले सरकार, हमारा पेट तो जब भरेगी हम तो खुद अपने पेट भर रहे हैं। बच्चे इनको बस वो फीस स्कूल में पैसे मिलते हैं, वो भी किस काम के लेते रहते हैं, आधे तो हम उसी बच्चे को क्या बीमारी में लगाएंगे, उनको बच्चे को क्या फीस देती है वे? सरकार फीस देती है ना, बच्चे को पैसे देती है, उसमें हम क्या कर लेते हैं, वो क्या मिलता है, किस लिए मिलता है, कि बच्चों को कापी किताब के लिए मिलता है बस, अच्छा। बस इतना ही तो मिलता है, नहीं और क्या मदद कर रही है सरकार, कुछ मदद नहीं कर रही सर। ये रोजगार इतना काबिल नहीं है कि ये अपने बच्चों का पेट भर सके, यह काम है तो 12 महीने का, पर भट्टी बारिश के समय में जलती नहीं होगी, फिर यह लोग अपना खर्चा अपने बच्चों का पेट कैसे भरते होंगे। भैया आपका नाम? सतीश कुमार। भैया आप क्या कर रहे हो? ये भट्टी पकाई जा रही है। भट्टी पकाई जा रही है, ये क्या चीज पे पका रहे हो? ये बुरादा है, लकड़ का, इसमें मटके पक रहे हैं। मटके पक रहे हैं? हाँ जी, ये 4 घंटे लगेंगे जी, सारे सीजन नहीं चलते जी। जी ये गर्मियों में मटके पकते हैं, इसमें बरसातों में गमले पकते हैं जी, और दिवाली के टाइम में दीवे पकते हैं। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मिट्टी को एक नया आकार नया स्वरूप दे देते हैं, जो बिना किसी तकनीक बिना किसी कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक सहायता के अपने हाथों से मिट्टी के नए नए अलग अलग स्वरूप बनाकर बेचते हैं। मिट्टी को एक अलग और अद्भुत स्वरूप देकर बाजारों में बेचा जाता है, पर कोई यह नहीं सोचता इसे कितनी मेहनत से बनाया जाता होगा, इसमें कितने लोगों की मेहनत लगी होगी। फिर भी लोग जब इसे खरीदते हैं तो बोलते हैं कि सही मूल्य ठीक है। ये गुल्लक कितने का दिया है? 35 रुपए का। सही सही लगा लो इस रेट। नहीं इससे कम नहीं है, यही रेट बिकता है हमारे पास तो। फिर हम और कहीं से लेंगे, जरूरी है फिर यहीं से लेना। कोई नहीं, हमारे पास तो होलसेल का रेट है, आप बाहर से लोगे तो महंगा मिलेगा आपको। फिर भी कितने का है? 35 से कम नहीं लगेगा। सही लगा लो, 25 रुपए का दे दो बस। नहीं इससे कम नहीं। ठीक है, हमारी लड़की को अच्छा लग रहा है ये, इसलिए नहीं नहीं हो पाएगा इससे कम। फिर हम और कहीं दुकान से ले लेते हैं। कोई बात नहीं, और कहीं से ले लो, हमारे पास नहीं हो पाएगा। दिया नहीं उन्होंने? अरे नहीं यार, दे दो। क्या करें, हमें तो घाटे में देना पड़ता है, बच्चे तो पालने पड़ेंगे। इंसान अपने परिवार का पेट भरने के लिए क्या नहीं करता, चाहे उसे अपनी मेहनत से कम मूल्य पाना पड़े। अब देखना होगा कि सरकार इन लोगों की भलाई या इनका जीवन सुधारने के लिए कुछ करती है या नहीं, या फिर इन्हें ऐसे ही छोड़ देती है इस चाक पर घूमती जिंदगी की तरह।